तो गाइस यहाँ देखिए मैं आ गई हूँ शॉप पे, जो अपना सिम मुझे सही कराना था उसी के लिए। तो मैं थोड़ी सी रिकॉर्डिंग आप लोग के साथ दिखा दे रही हूँ। तो मैं विंटर वाला जो सूट था उसे पहनी, यहाँ मोबाइल का शॉप है। तो चलिए अभी मिलते हैं हम थोड़ी देर बाद आप लोग से। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए मैं पुनीता अपने चैनल पे आप लोग का मोस्ट वेलकम करती हूँ। तो अभी भी ब्लॉग मेरा स्टार्ट हो गया है, इस समय शाम के बजे 6 और काम मेरा स्टार्ट हो गया है। तो चलिए यहाँ पे दिखाती हूँ मैं क्या काम कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। अभी सर पे बल्ले रखी थी ना और कैसे कपड़े सब ऐसे, अलमारी का फिर से फैल गया है। वो ट्राइपॉड है, वो टेडी है, दरे है, तो मेरे सारे कपड़े फिर से फैल गए हैं। अभी मुझे सही करना है और आप लोग के साथ कुछ दो दिन बाद अच्छा सा ब्लॉग आने वाला है, जो काफ़ी अच्छा होगा, कुछ यूनिक होगा, कुछ अलग रहेगा वीडियो में। तो उसके लिए भी मुझे तैयारियां करनी हैं, कुछ खास तैयारियां करनी हैं। और अकेला इंसान के लिए आप लोग समझ सकते हैं कितने काम रहते हैं कितने नहीं करते, पूरा दिन भागा भागा। और आज मैं कहाँ गई थी, अपना कुछ काम था जो पहले, आज 5-6 दिन से, 1 हफ्ते से मैं लगी थी, 1 हफ्ते से उस काम के लिए लगी थी, पर आज जाके वो उस काम के लिए मैं सक्सेस हुई हूँ। अब तक 2 दिन गई तो ऐसे नहीं हुआ, फिर मुझे बोला गया कि दूसरी जगह जाना होगा, फिर मैं इसी में रुक गई। और आप लोग समझ सकते हैं जब आदमी लोग के साथ जाना होता है, उनको काम रहता है, वो 10 बार हम लोग को लेके नहीं दौड़ते हैं। भले हम लोग उन लोग के लिए 10 बार दौड़े, लेकिन वो लोग हमारे लिए नहीं दौड़ना कोशिश करते हैं। उन लोग को गुस्सा आती है, लोग फालतू काम करती है ना तो यही सब है। तो मैं आज गई थी तो जिस काम के लिए मेरा स्टार्टिंग था कि मेरा एक सिम था उसे सही कराना था, बहुत पुराना मेरा नंबर था उसी को सही कराना था। तो क्योंकि हमारे अकाउंट से वो जॉइंट था, मेरा अकाउंट जो जनधन का था उसमें, तो अभी उसे मैं फिर से स्टार्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो हो गया है सिम तो मेरा चालू हो गया, बट अभी अकाउंट के लिए एक्टिवेट कराना है, क्योंकि 2014 के बाद मैंने उसमें कुछ भी नहीं किया था तो फिर से स्टार्टिंग कर रही हूँ। तो अभी चलिए मैं, वो सिम तो हो गया चालू, अब देखते हैं कल क्या होता है। आज मैं जिस दुकान पे गई थी, मैं शॉप का थोड़ा सा आप लोग को, यहाँ पे कपड़े फैले हैं थोड़े से, इसे हटाती हूँ। 6 बजे साग बनाने हैं, सब्जी काटने बहुत कम है, देखती हूँ क्या होता है कैसे होता है। अभी तो कपड़े इतने सारे फैले हैं कूड़े के भाव में और हाँ एक चीज़ मैंने आप लोग को बताना भूल गया, मैं उस दिन हमारे यहाँ एक आया था, वो घूमते हैं लोग ना क्या, चादर रजाई भरने वाले, गद्दे भरने वाले ऐसे लोग, तो हमारे यहाँ से 2 अब कंबल ही सब लोग ओढ़ते हैं, रजाई कोई नहीं ओढ़ता है, हमारे यहाँ कोई भी नहीं ओढ़ता। तो वो ऐसे 2 कंबल वो था रजाई ब्लैंकेट, कि वो नहीं होता है कि धागे टूट जाते हैं, जगह जगह रुक जाते हैं, उसी तरीके से हो चुका था। तो उसे खोल दिया गया था, तो काफ़ी दिनों से ऐसे पड़ा था, तो ये हुआ कि हो जाएगा था, लेकिन वो भाग्य से आ ही गया। और उस दिन छत पे मैंने आप लोग को दिखा, इसमें क्लिप ऐड कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा कि हाँ। तो उस दिन मैं उसे करवाई, वो छत पे 2 घंटे में सारा काम कर दिया, बहुत अच्छे से। ठीक है, हमें, मेरा मतलब ये, पैसा लगता है तो क्या काम अच्छा हो जाए, सबसे बड़ी बात वही होती है। तो उस दिन मैं क्या, मेरा जो पिछला मसलंद था, वो फाइबर जो होता है ना टेडी में डाला जाता है, वो वाले का बना के दिया था अंदर, हम लोग तो खोल के देखते नहीं हैं, जो कि वो काफ़ी नुकसान देह है, हानि है, पहुंचाती है हमारे शरीर को। लेकिन उसको देखिए वो उधर पड़ा है ना, वो अब मैं हटा दी, उससे कवर भी हटा दी हूँ। और जो उस दिन मैं बनवाई तो 2 मसलंद, अभी इसका क्या बांधना है, बांध नहीं है, इसकी डोरी नहीं मिली थी, अभी इसका एक कवर ले आना है दूसरे वाले मसलंद का। तो 2 मसलंद और 2 कुशन मैं बनवाई और 1 गद्दा बनवाई। गद्दा मेरा जो था वो 4 फीट का था, 3.5-4 फीट का। और ये देखिए कुशन, वो वाला कुशन नहीं है जो फूले फिर बैठा दो तो वो वाला हो जाए, ये मजबूती के साथ वाला बना है। तो और बनाया भी कितने में भैया, 150 में 1 पीस बनाया है, तो सोचिए महंगा है ना,
ये चीज़। लेकिन हमें कहने का मतलब ये होता है कि महंगा हो चाहे कुछ भी हो, बस क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, कि बार बार हमें उसे नहीं करना चाहिए। तो यही चीज़ें था। तो ये काफ़ी इसमें का दो कुशन है, दो कुशन मैं बनवाई थी और दो मसलन, एक मसलन ये है जो आपको दिखाई, और एक हमारा उधर देखिए साइड में उसका कवर नहीं है अभी, उसका कवर हमें लगाना, क्योंकि बाबू उधर साइड में चला जाता है तो गिरने का डर होता है, तो इसीलिए मैं साइड में लगा देती हूँ। उसका कवर लेना है और कुशन का कवर लेना है, दो काम अभी हमें करना है। देखिए कब तक होता है, क्या होता है। अब कल मुझे निकलना है, देखती हूँ निकल पाती हूँ तो कर लूँगी, तो आप लोग के साथ शेयर होगा, और नहीं निकल पाऊँगी तो कोई बात ही नहीं। तो चलिए चलते हैं, अभी मैं काम पे लग जाती हूँ, उसके बाद फिर आप लोग से मिलती हूँ बाद में, देखती हूँ जब टाइम मिलेगा तब। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से सब कर चुके हैं, और गद्दे को कैसे भर के इसमें रुई भर चुके हैं, और अब मुझे मसलंद के लिए तैयार करना है और कुशन के लिए। तो यहाँ पे ये किस तरीके से देखिए, इस तरीके से इसे गद्दे को अच्छे से एक बराबर कर रहे हैं डंडे के अकॉर्डिंग, डंडे से ले लेके उसे पीट पीट के बराबर। तो गाइस यहाँ पे मैं कपड़े फोल्ड करने लगी, बस थोड़ा सा कपड़ा फोल्ड की हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, तो मैं सोची शाम के 6:30 हो रहा था, तो मुझे था कि वो मेथी का साग भी देना था मम्मी को बराबर वो सही करने के लिए, साफ़ करने के लिए, और मुझे भी सब्जी वगैरह काटना था, तो इसलिए बस मैं थोड़े कपड़े को फोल्ड की हूँ, बाकी फिर नहीं। और फिर यहाँ आ गया भैया के, जो है एक बगल में भैया है उनके यहाँ एक डॉगी है, ये हमारे बच्चों को इतना हद से ज़्यादा पसंद आता है कि क्या बताएं उन सबको, जब आ जाते हैं ना तो इसके पीछे ही वो सब लग जाते हैं, और इतना ज़्यादा इससे प्यार सब करती हैं उन सबको, ये इतना जब भी आता है तब भी हमारे लिए 1 से 2 घंटा मेरे सर दर्द बन जाता है। सर दर्द क्यों बनता है कि उन लोग को रहता है मम्मी एक किसी तरीके से पपी आप भी ले लीजिए, किसी तरीके से डॉगी आप भी ले आइए, खरीदिए माँ खरीदिए, वो कंटिन्यू चलेगा 2 घंटे, जो कि सर में पेन होने लगे सुनते सुनते थे यहाँ पे। और ये काफ़ी समझदार, जब भी जाओ उसके गेट पे जाने पे वो तुरंत आता है, पैर के पास सूंघता है, देखता है क्या कर रहे क्या नहीं। तो यहाँ मेरे पार्किंग में ही इसे इस तरीके से दिखाया जा रहा है, ये किसी चीज़ का छाल है जो इस तरीके से दिखा रहे हैं, और वो सोचा कुछ खाने वाली सामान है। तो यहाँ पे देखिए पापा खड़े हैं, और वो है निखिल जो भैया के लड़के हैं, तो उधर वो खड़े हैं, और बाबू का बाइक भी चलाने के लिए देखें आप लोग कैसे चला रहा था। तो यहाँ अब आ गई बड़ी जो जो इधर 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 डर पकड़ेगी तो इससे खिलाएगी, इससे डरती भी है सब और खिलाती भी है, इससे देखती भी है, तो इन सबको बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से डॉगी, लेकिन मुझे नहीं उतना पसंद। बाबू यहाँ पे चिल्ला रहा मम्मा इसे बाहर निकालो नहीं तो पॉटी कर देगा, उसे इस चीज़ को बहुत गंदा लगता है। मुझे भी सच बोलूँ तो ये सब चीज़ें गंदी लगती, इसीलिए मैं नहीं पसंद करती हूँ कि डॉगी वगैरह रहे घर में ऐसे करे, या सुबह शाम उसके टाइम बनाए, तो ये सब बहुत ज़्यादा। सुबह के बज रहे हैं इस समय 7:30 बट मौसम इतना अच्छा हुआ है तो मुझे लगा आप लोग के साथ थोड़ी सी रिकॉर्डिंग करनी चाहिए। मैं पी रही हूँ चाय, और काफ़ी अजीब तरीके से उधर दिखाई दे रहा, कोरा कोरा टाइप पे। आज वेदर गड़बड़ हो चुका है मुझे लग रहा है, जहाँ तक शाम को ही हो गया था, शाम को हो रहा था कि हाँ बद्री टाइप में लग रहा था कि कोहरे अजीब से जैसे हो रहा है बारिश होंगे, तो काफ़ी इस समय अच्छा मौसम हो चुका है, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। आई होप आप लोग को भी पसंद है, मैं थोड़ा सा आप लोग को लुक दिखाती हूँ, हवाएँ भी हल्की हल्की चल रही हैं, देखिए हिल रहा था। गाइस सुबह का मौसम कुछ इस तरीके से है, आज पूरा दिन इसी तरीके से बीत रहा है। तो चलिए अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, नए हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर दीजिएगा, और थोड़ा सा मुझे ऊपर की चाय कपड़ी को देख के इंजॉय करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग। तो अभी जस्ट मैं चाय पी रही हूँ, चाय पी लेती हूँ तो आप लोग से, और कल का वीडियो मेरा स्टार्ट हो गया था जो आप लोग के साथ शेयर हुआ शेयर होगा,
और अभी सुबह का थोड़ा सा मैं कुछ लोग किसी में ऐड कर दूँगी। और मुझे क्या था कि अभी कल हमारे घर कोई आया था जो दिखाऊंगी मेरे बच्चे, उसे देख कर इतनी खुशी उन लोग को भी इतनी खुशी मिलती है, बहुत खुश हो जाते हैं वो सब। तो मैं दिखाऊंगी, तीनों बच्चे एक साथ लगे रहते हैं, मम्मा बस बस एक चीज़ दे दो मुझे, बस एक पपी दे दो, एक पपी लेती हूँ बच्चों को होता है।